डिब्रूगढ़ स्टेशन उसके सामने, जिसमें आज की जर्नी होने वाली है। शुरुआत समोसा से। 2150 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके ट्रेन पहुंची है ब्रह्मपुर। नाश्ते में लिए यहाँ पे दूसरा। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों। सो आज का ट्रेन जर्नी होने वाला है डिब्रूगढ़ आसाम से कन्याकुमारी, इंडिया लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। जो ट्रेन मैं बोर्ड करने वाला हूँ वो है 15906 विवेक एक्सप्रेस। ये ट्रेन हफ्ते में बस एक ही दिन चलती है, वो है सैटरडे। किलोमीटर्स की मैं बात करूँ तो 4189 किलोमीटर्स की जर्नी है। मैं टिकट बुक किया हूँ थर्ड एसी कोच में। फेयर की मैं बात करूँ तो 3038 रुपीज़ 95 पैसे। इसमें मैंने इंश्योरेंस भी बोर्ड किया हूँ। ये ट्रेन निकलती है शाम को, करीबन 4 दिन लगती है। और इस ट्रेन का जर्नी करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। लास्ट टाइम मैंने किया था इंडिया लॉन्गेस्ट बस जर्नी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये जो रूम मैं रुका हूँ ये डिब्रूगढ़ टाउन के नज़दीक में है। मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, इनकेस अगर आप ये रूट में प्लान कर रहे हो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। स्विच बोर्ड, टीवी मैं तो ऑन नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं लगी। खाट है सिंगल लोग तो सिंगल बेड दिया है ऊपर, ये मच्छरदानी जैसा। फैन है रूम में, ये टेबल और कुर्सी अगर आपको एडिटिंग वगैरह कुछ काम करना है दैट विल बी हेल्पफुल। यहाँ पे एक और टेबल आपको दिया जाता है ऊपर चादर, ये अगेन मैंने यूज़ नहीं किया था। यहाँ पे ये हैंगर कपड़े लटकाने के लिए, ये मिरर। और मैं बाथरूम अगर आपको बताओ तो ये शावर, इंडियन कमोड, बाल्टी और वॉश बेसिन। दिस इज द बेसिक रूम का मैंने पे किया 500 रुपीज़। जो कल मैं चेक इन किया था करीबन 9:45 के आसपास, आज 12 o'clock को इसका चेक आउट है। तो फिलहाल रूम से निकलते हैं, मिलते हैं आपको डिब्रूगढ़ स्टेशन पहुंच के। होटल सम्राट कर रहा हूँ यार, मार्केट लाइन है डिब्रूगढ़ टाउन से डिब्रूगढ़ की तरफ। कुछ अगर परचेस करना हो तो यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह ही यहाँ से परचेस कर सकते हो, इनकेस अगर आप ये रूट पे ट्रैवल कर रहे हो तो। डिब्रूगढ़ स्टेशन थोड़ा सा जल्दी पहुँच गया हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे लेमन टी पीने के लिए। ये सामने जो शेड नज़र आ रहा है वहाँ पे, यहाँ पे लेमन टी। डिब्रूगढ़ स्टेशन पे पहुंच चुके, स्नैक्स और कॉफ़ी अरेंजमेंट कर लिए। ट्रेन अभी टाइम है 7:25 का ट्रेन है जो डिब्रूगढ़ से निकलेगा। अब तक के ट्रेन नहीं आया, मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वो है राजधानी एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन का, एक बार ट्रेन आने के बाद आपको ट्रेन का लुक भी बता दें और आगे का जर्नी मेरे साथ जुड़े रहिए। अरे वैसे 5:45 और यहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो 4:30-5 बजे के आसपास अंधेरा हो चुका था। ट्रेन लगा हुआ है स्टेशन पे, बट टाइम है ट्रेन को निकलने के लिए। तो अभी कंपार्टमेंट के साइड जा रहा हूँ, मेरा जो बोगी है वो थर्ड एसी कोच बुक किया था, तो कंपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, आपको बोगी दिखा दें। इस सफ़र का ये कोच है B1। चलो आपको अंदर का थोड़ा सा टूर देते। सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पर आपको दिखाओ तो 1272 है। इसमें फर्स्ट क्लास एसी भी है, मेरा थर्ड एसी है। एंट्री पेंट्री स्टाफ के लिए बैठने के लिए होगा। डस्टबिन, फायर एक्सटिंग्विशर, वॉश बेसिन, वॉशरूम देखते हैं। और ये है इंडियन कमोड, नीचे फ्लश, ये कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ नोटिसेस। यहाँ पे आपको मिलता है स्प्रे। और इसके अलावा ये है वॉश बेसिन, सामने ये मिरर, खुद को देख सकते हो। इसके बाहर अगर मैं निकलता हूँ तो ये सामने सेम है इंडियन कमोडी। अब चलते अपने सीट की तरफ। थर्टी नाइन लोअर, 40 अपर, बढ़िया सा सामने। ये सीटिंग अरेंजमेंट फ़िलहाल ही ऊपर, इसको नीचे कर लेंगे।
ये साइड अपर कुछ, ये पर्दे को अगर मैं साइड करूँ तो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी अवेलेबल है। यहाँ पे फुटरे, पर्दे, सामने मिरर और सीट्स। गाड़ी का नंबर नज़र आएगा, वही आपको बताते। विवेक एक्सप्रेस, जिसमें आज की जर्नी होने वाली है। जो विंडो है, विंडो के इधर सीट नंबर्स लिखे गए, तो मेरा 39 है जो आगे की तरफ है। यहाँ पे दिया गया है पिलो और ब्लैंकेट। ये पैकेज दिया गया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसको ओपन करके बताते हैं। पैकेज ओपन किए तो उसमें है एक तक पिलो कवर या तकिए का कवर कह सकते हो, और दो बेडशीट। सो फिलहाल इसमें से एक ही यूज़ होगा, एक तो मैं फिर से पैकेज में रख दूंगा, नेवर नो अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो चेंज कर लेंगे। ये पैकेज में अगर आप गौर करोगे तो इसमें अगर आपको कुछ कंप्लेंट सजेशन है वो नंबर भी नज़र आएगा और ईमेल आईडी भी। दिन की शुरुआत ब्लैक लेमन टी से।
10:30 का टाइम और पहुंच चुके हैं न्यू बोंगाईगांव जंक्शन, आसाम में है फिलहाल। इसके एक स्टेशन के बाद एंटर करने वाले वेस्ट बंगाल। सो फार ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं, इट्स ऑल सेट। आगे देखते हैं जर्नी कैसा होता है, और जब वेस्ट बंगाल एंटर करेंगे तभी आपको बताएंगे। एंटर हो चुके हैं वेस्ट बंगाल में न्यू अलीपुर द्वार। यहाँ से वेस्ट बंगाल से आगे ट्रेन बढ़ेगी। धूप है, धूप काफ़ी अच्छा खासा है। मैं थोड़ा सा आगे चले जाता हूँ। धूप काफ़ी अच्छा खासा है यहाँ पे। करीबन शाम के वक्त पे ठंडा का वातावरण रहता है, बट मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी अच्छा धूप रहता है। और सुबह भी यहाँ पे जल्दी होता है, नॉर्थ ईस्ट साइड में मॉर्निंग भी जल्दी होता है। तो फिलहाल वेट कर रहे हैं नेक्स्ट जर्नी के तरफ। मेरे सामने आप अगर देखोगे तो तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस है, वो भी बताते हैं आपको। तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस ये, और ये अपनी ट्रेन कन्याकुमारी डिब्रूगढ़। न्यू कूचबिहार स्टेशन। लास्ट टाइम पे जब भी डुबरी जा रहा था तो इसी स्टेशन पे उतर के बस पकड़ के आगे आसाम की तरफ चले गए। मंचिंग के लिए यहाँ पे भुजिया। बाप रे देखो मैं भाई पैसे सोना ना मार कली। यहाँ पर मैंने लिया एक कॉफी। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। वेल, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में लास्ट ईयर आया था यहाँ पे। ये स्टेशन से बहुत सारी यादें भी जुड़ी है, बहुत सारे प्लेसेस भी मैंने विजिट किया था। मुझे 2 मिनट लगा कि ट्रेन चल पड़ी है फिर से, पर नहीं, ट्रेन थोड़ा सा मूव दिख रहा है बट हॉल्ट लेगा। तो इस स्टेशन पे उतर के मैं पहले गया था बागडोगरा। बागडोगरा से मैं विजिट किया था डिफरेंट प्लेसेस, जैसे मैं गया था दार्जिलिंग। ये वन ऑफ द बेस्ट मेन स्टेशन कहते हैं अगर आप वेस्ट बंगाल में आते हो और आप अगर प्लेसेस विजिट करना चाहते हो। सो न्यू जलपाईगुड़ी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेशन। और अब मैंने लिया फ्रूट केक खाने के लिए। यहाँ पे बिरयानी 50 रुपीज़ का, सो नीड टू ट्राई, वही लिया है। खाना ऐसा अगर बताओ तो 2 चिकन के पीसेस नज़र आ रहे और चावल मसाला। लाइट अरेंजमेंट कुछ ऐसा ही, यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं। बिना तेल वाला सेका भाप है।
चावल ठीक है, ट्रैवल के टाइम पे कुछ खाना अगर बेहतर मिलता है तो इट्स ओके, कैन गो फॉर इट। ये है डे थर्ड, 1596 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट करने के बाद पहुंच चुके कटक जंक्शन यानी कि उड़ीसा। मॉर्निंग में उड़ीसा एंटर कर चुके थे बट यहाँ पे ट्रेन रुकेगी 5 मिनट के लिए। कुछ ऑप्शंस वगैरह भी पीछे आपको मिल जाएगा खाने पीने के लिए। वेट कर रहे, जर्नी एंजॉय कर रहे फिलहाल के लिए। हाँ, मज़ा आ रहा है ये जर्नी में। देखते आगे जर्नी कैसे बढ़ता है, क्योंकि इसके बाद में ट्रेन चलेगी आंध्र प्रदेश की साइड पे, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश। अब पहुँचे खुरड़ा जंक्शन, उड़ीसा के अंदर ये एक और स्टेशन आएगा उड़ीसा में, उसके बाद में आंध्र प्रदेश से कनेक्ट होगा ये ट्रेन। तो ये आ चुका है लंच अपना, राइस कुछ एक्स्ट्रा, अब इसको ओपन करते हैं। और मैंने ऑर्डर किया यहाँ पे फिश थाली, तो यहाँ पे फिश 2 पीस है, रोहू मच्छी, दाल और चावल, टेस्ट फिश राइस। ग्रेवी मिक्स कर रहा हूँ, वाकई में अच्छा ही है। लेट्स टेस्ट फिश, भाई स्पून से तो नहीं कर सकते। वाकई में अच्छा, फिश भी प्रॉपर फ्राइड है। फिलहाल के लिए आज का लंच ही खत्म करते हैं। 2150 किलोमीटर्स की जर्नी कंप्लीट करके ट्रेन पहुंची है ब्रह्मपुर। ये लास्ट स्टेशन होगा उड़ीसा का, इसके बाद में ट्रेन एंटर करने वाली है आंध्र प्रदेश। इस स्टेशन की बात करूं भाई, बचपन की कुछ यादें इस स्टेशन से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे पहले फैमिली के साथ ट्रैवल करता था। तो कोणार्क एक्सप्रेस ये ट्रेन पकड़ के हम लोग ब्रह्मपुर उतरते थे और यहाँ से जाते थे गाँव में। तो फिलहाल के लिए एंजॉय कर रही है ट्रेन, अब आगे जाके ट्रेन चलेगी आंध्र प्रदेश के साइड पे। पहुंच चुके पलासा जंक्शन आंध्र प्रदेश में, एंट्री हो चुकी है, फर्स्ट स्टेशन फर्स्ट हॉल्ट यहाँ पे लिए। सो फार ट्रिप इज एंजॉइंग, आज तीसरा दिन है, दोपहर का करीबन 2:30, धूप है बट उतनी गर्मी नहीं हो रही क्योंकि 3 AC का ट्रैवल है। मे बी पॉसिबल आगे जनरल स्लीपर में गर्म लग रहा होगा, क्योंकि जहाँ पे भी जो स्टेशन से गुजर रहे वहाँ पे गर्मी अच्छा खासा है। फिलहाल के लिए अब वेट कर रहे और देखते आगे का जर्नी कैसा होता है। कल एंटर करने वाले तमिलनाडु और केरला। सिंगाड़ा खाने के लिए नाश्ते में लिए यहाँ पे डोसा, दो डोसा 40। कोयम्बतूर जंक्शन स्टेशन कोड CBP। व्हाट आई गॉट, बादाम मिल्क। ये बात तो क्या है, वो इधर भक्ति वाला है।
नाम से पलक्कड़ जंक्शन में हो चुकी एंट्री इसी के साथ केरला में। भाई जो नेचर बना है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। रिसेंटली ये भी पता चला कि केरला में बारिश हुआ था एक दो दिन पहले, जब मेरा और दोस्त विजिट किया था केरला, उसने मुझे बताया था केरला से सफर आगे चलेगा। ट्रेन हालांकि लेट चल रही है 2 से 2.5 घंटे। अब फाइनली ये जो 4 दिन का सफ़र है वो यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, तो मैं बस वेट कर रहा था किसी तरीके से मेरा स्टेशन आए कन्याकुमारी, जहाँ पे मैं उतरूँ और ये जो अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था 4 दिन का सफ़र ट्रेन में, वो यहाँ पे मेरा ख़त्म होने वाला है। 4189 किलोमीटर्स का ये जर्नी कंप्लीट हो चुका है, इंडिया लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। जो निकली थी डिब्रूगढ़ से पहुंच चुकी है कन्याकुमारी। फाइनली आई डिड इट। जर्नी और थी 3 AC कोच में, इसके वजह से दिन की गर्मी का नहीं समझ आ रहा था। रेलवेज के साइड से पिलो और ब्लैंकेट और बेडशीट मिला था, तो ब्लैंकेट उड़ सकते थे रात को जब ठंड थी। फाइनली आई कंप्लीट जहाँ पे लास्ट मंथ किया था इंडिया लॉन्गेस्ट बस जर्नी, अब कंप्लीट किया है इंडिया लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू। अब बज रहे हैं फिलहाल रात के 1।